हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मशरूम के पकौड़े, वो भी बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी। हमने मशरूम को वॉश कर लिया था। वॉश करके उबलते हुए पानी में मशरूम को डाल देंगे। लगभग 5 मिनट तक मशरूम को उबलते हुए पानी में पड़ा रहने देंगे। फिर मशरूम को छान लेंगे और एक दो पानी से धुल लेंगे एक दो बार। ये देखिए, मशरूम की बाइंडिंग के लिए बैटर तैयार करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप अरारोट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ऐड करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पकौड़ों में। थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग 1 पिंच या 2 पिंच, स्वाद अनुसार नमक। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स करेंगे, जिसमें बैटर ज़्यादा गीला ना हो। बैटर थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, तो अब इसमें मशरूम डिप करके इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। मेरे पास ब्रेड क्रम्स पहले से बना हुआ था तो मैंने वो यूज़ किया है। आपके पास नहीं है ब्रेड क्रम्स तो आप क्या करेंगे, एक ग्राइंडर में डाल के उसे ग्राइंड कर देंगे, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा, फिर आप उसे यूज़ करिए। मशरूम को इसी तरह ब्रेड क्रम्स से बाइंड करके एक प्लेट में रख देंगे। डायरेक्ट आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए सारे एक प्लेट में रख रही हूँ। ये देखिए, ये मशरूम डिप किया, इसके बाद हम उसमें प्लेट में रखेंगे ब्रेड क्रम्स में और इसे ऊपर से अच्छी तरीके से डाल देंगे। मशरूम के चारों तरफ ब्रेड क्रम्स चिपक जाना चाहिए, उसके बाद में ही हम प्लेट में रखेंगे। इसी तरह हम सारे मशरूम को बाइंड करके एक प्लेट में रख लेंगे। के बाद अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालकर गरम कर लेंगे। फिर हम एक एक करके आराम से मशरूम को फ्राई करने के लिए डालेंगे। धीमी आंच रखेंगे, जिसमें बहुत ही क्रिस्पी मशरूम बनेंगे। इसमें मशरूम डालने के बाद जब मशरूम लाइट ब्राउन होने लगेंगे, मशरूम को दूसरी तरफ पलट देंगे, आराम आराम से पलटेंगे। ये देखिए, सुनहरे सुनहरे पकौड़े दिख रहे हैं। ये मशरूम पकौड़े दोनों साइड से सुनहरे सुनहरे दिखने लगेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तब हम एक प्लेट में इसे सर्व कर लेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी और यूनिक है, आप एक बार इसे ट्राई करिए, फिर देखिए इसे आप भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, क्रिस्पी जूसी मशरूम पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए, ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।